हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे मोनेटा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर, जिस पे हम आपके लिए लेकर आए हैं टेली की एजुकेशनल वीडियोस आपके बिजनेस की ग्रोथ के लिए। आज की हमारी वीडियो है कस्टमाइजेशन के ऊपर। जैसा आप देख रहे होंगे, मैंने कंपनी का नाम ही रख दिया है पेमेंट क्यूआर कोड कस्टमाइजेशन। मतलब हमारी जो बिल हम जनरेट करते हैं, तो उसके ऊपर अगर हमारा क्यूआर कोड भी चला जाए UPI ID के थ्रू, हम उसको स्कैन करके पेमेंट कर पाएँ तो कितना अच्छा होगा। कोई बैंक डिटेल डालने की जरूरत नहीं, कोई ट्रांजेक्शन के लिए वेट करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट स्कैन एंड पेमेंट है। थोड़ा स्मार्टली हो जाएगा, आपका बिल थोड़ा अच्छा दिखेगा कि बिल के ऊपर QR कोड लग के आ रहा है, कितना अच्छा लगेगा अगर किसी कस्टमर के पास आपका ये बिल जाता है। तो ये कैसे वर्क करेगा, इसकी TC फाइल कहाँ लगेगी, क्या होगा, आज की हम वीडियो में देखते हैं। सबसे पहले तो हम अपनी जो TC फाइल है कस्टमाइजेशन, उसको ऐड करेंगे कैसे। F1 हमारी जो TDL लगेगी, मैनेज लोकल TDL, हमने इसको यस किया। हमारा सी यूजर डेस्कटॉप पे हमारे एक फोल्डर है जिसके अंदर हमारी TCP फाइल रखी हुई है। अब हमारे पास दो तरह की TCP है, जिसमें UPI विदाउट अमाउंट, मतलब आप स्कैन करेंगे तो अमाउंट आप खुद डालेंगे, ओवरऑल बिल का अमाउंट खुद नहीं आएगा। और एक TCP हमारे पे वो वाली है कि आप स्कैन करो, बिल का जो अमाउंट होगा टोटल आपकी स्क्रीन पे आ जाएगा जहां से भी आप स्कैन करते हैं। तो हम पहले देखते हैं विदाउट अमाउंट, यस कर दिया हमने, स्केप करके पीछे आए। अब हम एक बिल जनरेट करते हैं अपना, कस्टमर बिलिंग आपको आती है नॉर्मल, बिल के लिए सिखाऊं। बिलिंग आप स्टार्ट कर रहे हैं अपनी, Item 1 क्वांटिटी डाली हमने 100, हजार के हिसाब से, ठीक है। यहाँ पे हमने लगा दिया नॉर्मल GST। अभी हम देखते हैं कि हमने जो TCP फाइल लगाई है उसका QR कोड आ रहा है, अगर नहीं आ रहा तो कहाँ हमारा मिस हो रहा है कुछ भी पॉइंट, कि हमने जो यस नो ना किया हो, वो सारी चीज आप यहाँ पे भी डायरेक्ट डाल सकते हैं कि अमाउंट क्या बनने वाला है। फिलहाल हम नहीं डालते, हम QR कोड के थ्रू ही करेंगे, हम यहाँ UPI अमाउंट डाल ही नहीं रहे। हम डालने को ये भी डाल सकते हैं 118, बट नहीं, हम यहाँ कुछ नहीं डाल रहे, हम यहाँ पे आगे बढ़ रहे हैं ना, न्यू रेफरेंस के साथ एक्सेप्ट नो। अब हम अपने बिल पे आते हैं, अगेन एक बार हम अपना बिल चेक कर ली और पी प्रीव्यू, कहीं पे QR कोड नहीं है, मतलब हमने कहीं ना कहीं कुछ मिस्टेक की है जिसकी वजह से हमारी कस्टमाइजेशन अभी रन नहीं कर रही है। इसके लिए क्या करना होगा, सबसे पहले आपका बैंक का लेजर क्रिएट होगा। ठीक है, बैंक अकाउंट नंबर आप जो भी आपका है वो आप डाल दीजिए, ठीक है। यहाँ पे आएगी आपकी UPI ID। आप नॉर्मल में देखेंगे, कभी आप लेजर बनाएं, आपको ये UPI ID का ऑप्शन नहीं मिलेगा, बट जैसे हमने कस्टमाइजेशन को ऐड किया यहाँ पे हमारे पे एक ऑप्शन आ गया, तो UPI ID आपकी स्मॉल में रहती है, मैं डाल देता हूँ। एक सेकेंड, ठीक है, ये हमारा QR कोड, हमने एक UPI ID डाल दी अपनी, इसको हमने एक्सेप्ट कर लिया। अब हम आते हैं अपने बिल पर, बिल को हमने प्रिंट की कमांड दी और कॉन्फ़िगर में आके बैंक तो हमें सिलेक्ट करना ही है, बैंक की डिटेल हमने यहाँ डाली कोटक महिंद्रा, बाकी जो नीचे चीजें आपको यस करनी हो। प्रीव्यू चेक किया, मैं स्क्रीन अभी यहाँ पे स्टॉप कर रहा हूँ, जिस जिसको चेक करना है कि इस पे अमाउंट आ रहा है नहीं आ रहा वो चेक कर सकता है। अभी आप स्कैन करेंगे तो यहाँ पे और अमाउंट नहीं आएगा इस वाली TCP पे, क्योंकि विदाउट अमाउंट वाली है, आप अमाउंट खुद डाल सकते हो उस पे। अब मैं बैक जाता हूँ, अगेन F1 TDL मैनेज लोकल TDL, अब मैं डाल देता हूँ विद अमाउंट वाला, ठीक है, एक्सेप्ट कर दिया, बैक आ गए, बिल को अपने ओपन किया, प्रीव्यू चेक किया,
मैं अगेन स्क्रीन स्टॉप कर रहा हूँ, आप दोनों जगह चेक कर सकते हैं कि वहाँ अमाउंट नहीं आ रहा था, बट यहाँ पे टोटल अमाउंट आपके सामने आ गया होगा, 1,18,000। सो बहुत अच्छा लगेगा कि आपकी कंपनी का क्यूआर कोड बिल पे आपके प्रिंट होके जा रहा है, बिल की चीजें अच्छी लग रही हैं थोड़ी। आप क्यूआर कोड देखेंगे डायरेक्ट स्कैन करके पेमेंट हो जाएगी, कोई बेनिफिशियरी ऐड करने की प्रॉब्लम नहीं है। नीचे यूपीआई आईडी भी है, यूपीआई आईडी डाल के भी कर सकते हैं। सो आज की हमारी वीडियो यहाँ खत्म होती है। आपको अगर ये कस्टमाइजेशन अच्छी लगी, यूजफुल आपके लिए है, तो आप हमारी टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, बहुत जल्दी आपको ये कस्टमाइजेशन प्रोवाइड कर दी जाएगी। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों यहाँ ये वीडियो ख़त्म होता है। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन दबाएं।